बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का हिंदी चैप्टर लेवल, जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते, जिसके लेखक है हेलन केलर। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर वो लिखना पढ़ना और बोलना सीखे, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके एकदम दुनिया के लिए निगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वो 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उन्होंने देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में वो लिखती है, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। ये दुनिया के सभी भाषाओं में इस किताब को अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत में आई थी। कभी कभी मैं अपने मित्र की परीक्षा लेती हूँ ये परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों के आदि हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं, वो बहुत कम ही देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं, जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ कि मैं भोजपत्र के तीर की चिकनी छाल और तीर की खुरदरी छाल के स्पर्श से पहचान लेती हूँ। पसंद के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहुत बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते मौसम का क्षमा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो ही हो जाएगा। तब जिन लोगों की आंखें हैं, वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता, वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामक से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। बच्चों, इस पाठ की कुछ प्रश्नों का जवाब मैं देने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। जिन लोगों के पास आंखें हैं, वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर है, हेलन केलर को इसलिए ऐसा लगता था क्योंकि लोगों को संवेदना खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते हैं। दूसरा है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? यहाँ पर प्रकृति का जादू
प्रकृति के सौंदर्य तथा उसमें हो रहे निरंतर बदलाव को कहा गया है जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी ओर आकर्षित करती है। तीसरा प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन का आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर है, जंगल से सैर करके लौटी हुई अपनी एक प्रिय मित्र से जब हेलन ने पूछा आपने क्या क्या देखा, तब उनके मित्र ने यह जवाब कुछ खास तो नहीं कहा। जिस प्रकृति के स्पर्श मात्र से उनका मन आनंदित होता है, उस सुंदर और आकर्षक प्रकृति के दर्शन करके भी किसी को उसमें अगर कोई खास बात नजर नहीं आती है तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए यह सुनकर हेलन को आश्चर्य हुआ। चौथा प्रश्न है, हेलन केलर की प्रकृति किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती हुई थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। उत्तर है, हेलन केलर प्रकृति की कुछ चीजों को छूकर सुनकर पहचान लेती है, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती है। बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां फूलों की मखमली पंखुड़ियों को स्पर्श से पहचान लेती है। अपनी गुड़ियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर आनंदित होती है। चिड़ियों के मधुर स्वर को सुनकर लेखिका हेलन केलर पहचान लेती थी क्योंकि वो नेत्रहीन थी। पांचवा क्वेश्चन है, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर है, दृष्टि हमारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें ईश्वर के इस वरदान को कद्र करनी चाहिए और इस वरदान के माध्यम से हमें अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। छठा है, कान से ना सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। उत्तर है, कान से ना सुनने की कल्पना मात्र से हमारा मन कांप उठता है। यदि हम कान से नहीं सुन पाएंगे तो हमें अपने आसपास की दुनिया कम शांत लगेगी और केवल देखते ही अपने आसपास से घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकेंगे। इस स्थिति में हर प्रकार का हलचल और कोलाहल खत्म हो जाता है और हमारा मन शांत तथा स्थिर हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है, कई चीजों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीजों की सूची तैयार करो जिनके छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। उत्तर है, कई चीजों को छूकर ही पता चलता है, जैसे हर्ष का चिकनापन, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, फूलों की मखमली पंखुड़ियों की सतह, घास का मैदान जो कालीन का प्रतीत होता है। आठवां है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो और तो तुम्हें उसकी प्रकृति और उसके अनुभव के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों? उत्तर है, यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे को दिखाई ना देता हो वो, तो हम उस प्रकृति के उसके अनुभव के बारे में पूछना चाहेंगे। जैसे उसे पहला है, उसे सुबह शाम और रात को होने का भाव कब और कैसे होता है, प्रकृति के रंगों की कल्पना वो किस प्रकार करते हैं। तीसरा, किसी वस्तु को छूकर उनके मन में उस वस्तु की आकृति कैसी भरती है, किसी को आने का, जाने का तथा किसी की उपस्थिति का एहसास कैसे होता है।